ये देखिए दोस्तों, ये है पानी वाला हरी मिर्च का अचार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसे मैंने आज बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल में बनाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पानी वाले हरी मिर्च का अचार। जी हाँ दोस्तों, और इसे मैंने बहुत ही खास तरीके से बनाया है, क्योंकि इस अचार में बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं होता है और साथ ही मैंने इसमें बहुत ही कम मसालों का भी यूज़ किया है, इसीलिए ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पेट में कब्ज या गैस बनती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पानी वाले इस हरी मिर्च का अचार बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल में बनाते हैं। पानी वाला हरी मिर्च का अचार डालने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च ले ली हैं। और जो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली हैं, ये देखिए, ये थोड़े लंबे आकार की जो हरी मिर्च आती हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो इस अचार को डालने के लिए मैं यहाँ पे इस हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ और इन हरी मिर्च से ये अचार बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। और ये देखिए, मैंने अभी अपनी हरी मिर्चों को धो के रेडी किया है, पर अभी भी आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर मॉइस्चर है, पर इस मॉइस्चर को सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हरी मिर्च का जो अचार है, ये बहुत ही खास तरीके से बन के रेडी होता है और इसमें आपको हरी मिर्च को धूप में भी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज जो हम हरी मिर्च का अचार बना के रेडी कर रहे हैं, वो पानी वाला हरी मिर्च का अचार है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बॉईल किया हुआ पानी चाहिए होगा। तो ये पानी जो है, मैंने यहाँ पे एक बर्तन में बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पे 5 कप पानी बॉईल करने रखा है। और उस पानी को मैंने इस कप से मेज़र किया है, और अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप लगभग 5 गिलास पानी बॉईल करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पानी को दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से पकाना होगा, यानी कि बहुत अच्छे से, जब तक इसमें बॉईल नहीं आने लगता है तब तक हमें इस पानी को पकाना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि जो पानी है वो कम पका हुआ ना हो, पानी को हमें बहुत ज़्यादा पका के ही रेडी करना है। तो तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं जब तक कि हमारे पानी में अच्छे से बॉईल ना आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अब हमारे पानी में काफ़ी अच्छे से बॉईल आने लगा है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसमें हम अपनी मिर्चों को डाल देंगे। मिर्चों को आप बहुत ही सावधानी से डालिएगा साइड से, ताकि छींटे जो है वो आपके ऊपर ना आए। और सारी मिर्चों को हम पानी में अच्छे से डुबो देंगे इस तरीके से। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से पानी में अपनी मिर्चों को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, जब तक हमारी हरी मिर्च सॉफ्ट होकर रेडी होती हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि इस अचार को बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इस अचार को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। इस अचार को बनाने के लिए हम सिर्फ 5 मसालों का ही यूज़ करते हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ली है जो छोटी वाली राई होती है। इस अचार को बनाने के लिए इस राई का ही यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और इस अचार में यही वाली राई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच ये छोटी वाली राई ले ली है और इसी का स्वाद सबसे अच्छा आता है, इसीलिए इसकी मात्रा हम सबसे ज़्यादा रखते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है, ये 1 बड़ा चम्मच सौंफ है। और नमक का यूज़ हम अपने स्वाद के अनुसार करेंगे। और 2 छोटे चम्मच मेथी दाना ली है मैंने, 1 छोटा चम्मच हींग। तो उसके बाद हम अपने मसालों को पीस के रेडी कर लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे ये सौंफ ले लिया, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ पॉट में, और राई, मेथी दाना। और अगर आपको लगे कि आपके जो मसाले हैं उनमें हल्की सी नमी है तो आप उनको रोस्ट करके भी पीस सकते हैं। तो हमारे जो ये मसाले हैं, पहले मैं इनको पीस के रेडी कर लेती हूँ। और नमक और हींग को अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, इन्हें हम बाद में मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने सभी मसालों को पीस के रेडी कर लिया है। ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर
मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब हम एक खाली प्लेट ले लेंगे और जो मैंने मसाला पीस के रेडी किया है उसे मैं इसमें निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ हींग, उसके बाद डाल देंगे नमक। तो हम यहाँ पे अचार रख रहे हैं तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि नमक की जो मात्रा है उसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। और जब हमारा अचार बन के रेडी हो जाएगा तो नमक अपने आप ही बैलेंस में आ जाता है। मैंने नमक इसमें डाल दिया है, अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारी हरी मिर्च के लिए मसाला बनके एकदम रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम अपने हरी मिर्चों को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपनी मिर्चों को चेक कर लेते हैं और अब आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो मिर्चें हैं इनका कितना कलर चेंज हो गया है, ये कितनी लाइट कलर की हो गई हैं और साथ ही जो मिर्चें हैं ये अब काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अगर आपको ये लगे कि आपकी मिर्चें अभी सॉफ्ट नहीं हुई हैं या कलर उनका बहुत ज़्यादा डार्क ही लग रहा है तो आप उनको 5 से 10 मिनट के लिए और गर्म पानी में ही थोड़ी देर के लिए और छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले मैं इनको निकाल लेती हूँ, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद जो ये पानी बच जाता है इसे हमें अभी फेंकना नहीं है, इसको हम साइड से रख देंगे और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ये अपनी मिर्च ले लेंगे और इस मिर्च में हमें बहुत ही आराम से एक चीरा लगाना होगा क्योंकि जो मिर्च है ये हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जो चीरा हम इसमें लगा रहे हैं उसको हमें आर पार नहीं निकालना है, सिर्फ एक ही साइड में हमें इसको कट करना है। तो आप बहुत धीरे धीरे और बहुत ही आराम से कट करिएगा क्योंकि जो मिर्च है वो हमारी सॉफ्ट है इसलिए। और उसके बाद देखिए इसमें से ये पानी निकलता है, पानी निकाल देंगे हम सारा। और उसी तरीके से हम अपनी बाकी सभी मिर्चों को एक तरफ से चीरा लगा के रेडी कर लेंगे। जब आप इसमें चीरा लगाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी भी निकलेगा, उसे आप निकाल दीजिए। और इसी तरीके से पहले हम अपनी सारी मिर्चों को रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी मिर्चों को काट के रेडी कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों अब हमने जो ये मसाला बना के रेडी किया था इन मसालों को हमें अपनी मिर्चों में फिल करना होगा, तो उसके लिए हम अपनी ये मिर्च ले लेंगे और थोड़ा सा मसाला चम्मच की सहायता से हम इसमें डाल देंगे इसके अंदर। और ये देखिए इस तरीके से हमें मसाला अपनी सारी मिर्चों में भर के रेडी करना होगा, तो इसे मैं इधर साइड में रख देती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरी मिर्च में भी मसाला भर के रेडी कर लेती हूँ। देखिए दूसरी मिर्च भी रेडी है और सारी मिर्चों को हमें इसी तरीके से रेडी करना होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर के रेडी कर लिया है और थोड़ा सा मसाला यहाँ पे बच गया है, तो इस मसाले को हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे एक कांच का बाउल ले लिया है, आप यहाँ पे कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं जिसमें आपको अपनी अचार वाली जो ये मिर्चें हैं इनको फिल करके रखना हो, आप वो कंटेनर ले लीजिए और उसमें सबसे पहले सारी मिर्चों को डाल दीजिए जिन्हें हमने मसाला भर के रेडी किया है। जो ये मसाला बच गया था इसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें वही पानी डाल देती हूँ जिसमें हमने अपनी मिर्चों को सॉफ्ट करने के लिए रखा था, यानी कि जो पानी हमने पकाया था उसी पानी को हम इसमें डाल देंगे और सभी मिर्चों को हम पानी में अच्छे से डिप कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों मेरा मारवाड़ी स्टाइल में पानी वाला हरी मिर्च का अचार बनके एकदम रेडी है। और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।